हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि अंडमान में केसेस बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, बहुत बहुत कम हो रहा है, तो जिसके वजह से मैंने ये बताया था कि टूरिज़्म रीओपन होने वाला करके। तो आज है 3 फरवरी और आज भी छोटा सा अपडेट आया है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से। तो अपडेट ये है कि बोट प्लेयर में सेलुलर जेल और लाइट एंड साउंड और जो सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, जिसको हम लोग रोस आइलैंड बोलते हैं, पुराना नाम है रोस आइलैंड, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बोलते हैं, नया नाम है, तो वो ओपन हो चुका है। बस इतना ही जगह ओपन हुआ है आज के लिए, जो कि आज का अपडेट में जो आया था, सिर्फ सेलुलर जेल और जो भी म्यूज़ियम है और जो रॉस आइलैंड है, वो सब ओपन हो चुका है। लेकिन जो भी एक्टिविटी है, जो भी वाटर एक्टिविटी है या बीचेस है, जैसे कि चिड़िया डाबू, जैसे कि कार्पिन बीच, ये सब का कुछ अपडेट नहीं आया। कुछ रीओपन होने का कुछ ये अपडेट नहीं आया, सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रॉस आइलैंड और सेलुलर जेल और जो भी लाइट एंड साउंड, जो भी प्रोग्राम होते हैं सेलुलर जेल में, वो सब रीओपन होएगा कल से, आज का अपडेट में लिखा है। और जो भी म्यूज़ियम है वो सब भी रीओपन हो जाएगा कल से। लेकिन ऐसा कुछ टेंशन नहीं है गाइस, अभी भी मीटिंग हो रहा है डीसी ऑफिस में, हो सकता कल या परसों हेवलॉक का भी खुल जाएगा, जो भी बीजेस है, जो भी वाटर एक्टिविटी है वहाँ में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ यहाँ में ही सब कुछ अलाउ करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो हम इतना ही बोलने मांगता कि आज का जो अपडेट है, हो सकता है उसकी वजह से कल या परसों हेवलॉक का भी सब कुछ खुल जाएगा, बीच जो भी है और वाटर एक्टिविटी, तो बहुत जल्द ही मतलब टूरिज़्म रीओपन होने वाला है अंडमान में पूरी तरह से। तो ये एक अच्छा अपडेट है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। उतना ज़्यादा ये वीडियो को लंबा नहीं करने मांगता, बस इतना बोलने मांगता कि जो आज का जो अपडेट है वो है कि सेलुलर जेल और जितना भी प्रोग्राम होता है लाइट एंड साउंड, वो सब प्री ओपन हो जाएगा कल से। रॉस आइलैंड भी ओपन होएगा कल से, और लेकिन एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वाटर एक्टिविटी यहाँ पे कुछ ये अपडेट नहीं आया कि ओपन हो गया करके, यहाँ पे वो अभी तक ओपन नहीं हुआ, हो सकता कल या परसों आ जाएगा। अगर ये सब थोड़ा मोड़ा ओपन कर दिया तो एक्टिविटी खोलने का भी कितना टाइम लगेगा, तो हो सकता कल या परसों भी उसका अपडेट आएगा और हेवलॉक और नील आइलैंड का भी अपडेट आ जाएगा। तो ये था छोटा सा अपडेट, हो सकता आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के, तो इसलिए सोचा हम वीडियो बना देगा आप लोग के लिए। तो गाइस, ऐसा ही अपडेट सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सकता कल या परसों और एक अपडेट आ जाएगा वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में, तो वो भी हम बना देगा। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।